दोस्तों गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को यदि हम मिठाइयों का राजा बोलते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। हर मीठा खाने वाले को गुलाब जामुन बहुत पसंद आता है। साथ में अगर पार्टियां वगैरह में भी देखें तो सबसे पहले गुलाब जामुन वहां पे जरूर मिलता है आपको खाने के लिए। तो इसे हर कोई लाइक करते हैं, इसीलिए हर पार्टी वगैरह में भी गुलाब जामुन रखा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे मावा से गुलाब जामुन कैसे बनते हैं, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए हम बताते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइव विद नूज कॉर्नर पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ मावा यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे एक कप मावा लिया है। तो मावा हमने होममेड मावा का यूज़ किया है, आप चाहें तो मार्केट वाला मावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जितना मावा यूज़ किया ठीक उसका चौथाई भाग हम यहाँ मैदा यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 60 ग्राम मैदा और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मावा को अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो उसके लिए हम एक परात या थाली लेंगे, बोल या कटोरा ये सब हम इसमें नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम थाली लेके, कोई भी फ्लैट बर्तन होना चाहिए। अब हम इसको अपने हथेली के नीचे वाले भाग से इसको हम मैश करेंगे। तो इस तरह से पहले हम इसे तोड़ लेंगे और हथेली के नीचे वाले भाग से इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि इसमें जरा भी दाना न रह जाए। तो देखिए इस तरह से हम इसे मैश करेंगे। हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए पहले मावा को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो मावा हमने होममेड मावा लिया है जिसका रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे हम इसे यहाँ पे लिंक डाल देंगे, तो आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम होममेड मावा कैसे तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कप मावा यूज़ किया है, तो हम यहाँ 1/4 भाग उसका मैदा यूज़ करेंगे। यानी हम यहाँ पे 60 ग्राम मैदा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 250 ग्राम मावा यूज़ किया है। तो इसे हम इसमें डाल देंगे और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। बेकिंग सोडा आप ना यूज़ करें। और इसे भी हम हथेलियों के नीचे के पार्ट से इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जो इसे हम जितना अच्छा से इसका हम मैश करते हुए सॉफ्ट डो तैयार करेंगे गुलाब जामुन उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसे का इसका हमें खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे ये चूँकि ड्राई लगता है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप पानी की जगह दूध का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से हम मैश करते हुए डो तैयार करेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि आपका ड्राई हो जाता है तो हम यहाँ पानी या दूध यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि ये गीला होता है तो हम ज़्यादा इसमें मैदा नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम मैदा का ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे तो फिर गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना है कि जो हम मावा लेंगे वो बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, गीला बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हल्का है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी या दूध का मात्रा बढ़ा के इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो इस तरह से हम मैश करते हुए आप देख सकते हैं कि हथेली के नीचे के पार्ट से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर रहे हैं। तो इसको देखिए अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुआ है, अभी इसमें क्रैक है। तो इसे हम अच्छी तरह से और मैश करेंगे। अभी हमने 6 से 7 मिनट के करीब इसे मैश कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इसमें 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे और पानी यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए या दूध, पानी या दूध कुछ भी आप मिला सकते हैं। तो इसको आप डो तैयार करें। तो इसको अभी भी ये सॉफ्ट नहीं लग रहा है, तो फिर हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है हमें, इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। तो अब देखिए अब ये लगभग जो है सो तैयार हो चुका है। 10 से 12 मिनट करीब हमने इसे मैश किया है। आप अब जब भी आप परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहती हैं तो आपको इतना टाइम देना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से 10 मिनट के लिए इसे हम ढक के छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट ले रहा है तब तक हम शुगर सिरप बना लेंगे, यानी चाशनी बना लेंगे। तो हमने जितना मावा यूज़ किया है उसका दुगुना भाग हम चीनी यूज़ करेंगे चाशनी बनाने के लिए। तो हमने 1 कप मावा यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 कप हम चीनी यूज़ करेंगे और 2 कप हम इसमें पानी भी यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे जब तक चीनी मेल्ट हो जाता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे चीनी थोड़ा सा हमें साफ़ करना है, चाशनी को अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसमें 1/2 कप के करीब हम यहाँ दूध यूज़ करेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो देखिए अब इसमें उबाल आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 कप के करीब हम दूध डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितना भी
चाशनी का चीनी का गंदगी है वो फेन जैसा ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसे छलनी की सहायता से सारा फेन को निकाल लेंगे तो चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी फेन वाला पार्ट था हमने उसे निकाल दिया है, चाशनी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। चाशनी हमें गाढ़ी नहीं बनानी है, तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, चाशनी हमें इतने बनानी है जो चिपचिपापन आना चाहिए, अच्छा चिपचिपापन आना चाहिए हनी की टाइप का, बस उतना। मैंने हमें जैसे ही मेल्ट होने के बाद 4 से 5 मिनट चाशनी को और पकाना है। अब हम यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो यहाँ पे केसर वगैरह भी डाल सकती हैं। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे और ये देखिए इसे भी 10 मिनट के लिए हो चुका है रेस्ट हुए, तो इसे 1-2 मिनट के लिए हम और मैश करते हुए सॉफ्ट बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसे 2 पार्ट में बांट लेंगे और इसे हम छोटा छोटा इक्वल पार्ट में काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक लोई लेंगे और इसे पहले पूरी तरह से हथेली में प्रेशर डालते हुए हम पेड़ा बना लेंगे। अब एक बार पूरा प्रेशर डाल के पेड़ा बनाने के बाद इसे हम हल्के हाथों से काट देंगे। देखिए इस तरह से हमने प्रेशर डालते हुए इसे पेड़ा बना लिया, फिर हल्के हाथों से हम इसे गोल आकार दे देंगे तो ये बिल्कुल क्रैक फ्री बनके तैयार होगा। तो इस तरह से हमने एक पार्ट का गुलाब जामुन तैयार कर लिया है। फिर हम चाकू की सहायता से इक्वल काट लेंगे तो इक्वल हम एक साइज़ का गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएगा। जिस साइज़ का भी आपको बनाना है, आप छोटा साइज़ बनाइए क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है तो ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने पहले से रिफाइंड ऑयल तैयार चढ़ा के रखा है, देखिए जैसे ही डाले ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल परफेक्ट गर्म है। तो अब हम इसे इसमें गुलाब जामुन डालेंगे एक एक करके, और गैस का हमें लो मीडियम फ्लेम कर देना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे तेल को थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, इसे हम कलछी से नहीं, कलछी के पीछे वाला पार्ट की से हम इसे चलाएंगे, या फिर कोई भी आप कलछी का स्पैचुला का पीछे का पार्ट से आप इसे हल्का हल्का हिलाएं, 1 से 2 मिनट के बाद ही इसको हिलाएं, पहले आप ना हिलाएं, उसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत हल्का सा इसमें फेन आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट गर्म है। अब देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका, तो इसे एक बार इसको फ्राई करने में 10 से 12 मिनट का टाइम लग चुका है, तो इसी कलर का हमें फ्राई करना है। आप देखिए बिल्कुल इसी कलर का परफेक्ट कलर है। तो हमने अगर इससे डार्क करेंगे तो ये काला जामुन बन जाएगा, जिसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पे डाल रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है, एक बैच का हमने गुलाब जामुन को फ्राई किया है तो तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे, जब इसका बबल्स बिल्कुल कम हो जाएगा तब हम फिर गैस को ऑन करेंगे और इस तरह से हम हल्का हल्का स्पैचुला के पीछे साइड से हम तेल को हिलाते हुए गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। देखिए अब बिल्कुल फेन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है। देखिए पीछे साइड से हम इस तरह से हिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। गैस को हमको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, इसे हम 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है इसे फ्राई होने में, बिल्कुल परफेक्ट कलर आने में। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर आ रहा है, तो हमें इसे बहुत ही पेशेंस के साथ फ्राई करना होता है क्योंकि हमें परफेक्ट गुलाब जामुन चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए देखिए अब जो है ये इसका कलर बिल्कुल आ चुका है, ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब हम आपको इसको दिखाते हैं इसका जो किस कलर का ये बिल्कुल परफेक्ट कलर किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है, इस तरह से हिलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हम इसे आपको कैमरा के नज़दीक में दिखाते हैं, इसी कलर का हमें फ्राई करना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी कलर का, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो हमने दोनों बैचेस का गुलाब जामुन इस तरह से फ्राई कर लिया है, देखिए सारे गुलाब जामुन को हमने फ्राई कर लिया। यहाँ पे हम 250 ग्राम मावा का गुलाब जामुन बना रहे हैं तो ये बन के 1 kg तैयार होगा। तो देखिए ये चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो इसे हम दोबारा से गर्म कर लेंगे, और गर्म गुलाब जामुन गर्म चाशनी में ही हमें डालना है, ठंडा चाशनी बिल्कुल नहीं डालना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, चाशनी कोई गहरे बर्तन में ही रखना है ताकि गुलाब जामुन इसके अंदर डूब जाए। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे में हमने इसे ढक के छोड़ दिया था, तो अब ये सारे गुलाब जामुन जो है चाशनी के अंदर डूब चुके हैं। एक गुलाब जामुन हम आप इसको निकाल के देखते हैं, देखिए ये बिल्कुल अंदर तक रस पी चुका है,
देखिए इसके अंदर तक ये पूरा रस है। तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है, बिल्कुल क्रैक फ्री। तो इस तरह से आप भी अपने घर में गुलाब जामुन ट्राई करें, और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या फिर आपको अच्छा लगता है, जो भी हो, आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।